ऑल पे ऑल। हाँ 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 भाई, ये करे ना तू। अरे भाई, स्मोक के भी बीच में से मार रहा है भाई, तू भी। हेलो गेमर्स, तो क्या हाल है। सो गाइस, आ चुके हम लोग एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। और इस गेम प्ले वीडियो में आप लोग यकीन नहीं करोगे कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मेरे दो बंदे मर चुके होते हैं और हम दो बंदे जिंदा होते हैं और हमारे सामने 3 स्क्वाड होती है। सो गाइस, इस सिचुएशन में हमने कैसे सर्वाइव किया, आज मैं आपको ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और सामने एक बंदा था और मेरे हाथ में शॉटगन थी, सो मैंने रश कर दिया। अबे साले, बेचारा अभी ऊपर से घूम के आएगा भाई। अभी इसको मैं प्रो बोलूँ या नूब, पर मेरे को अच्छी गेंद दे गया ये, बहुत बढ़िया कर गया ये बंदा। सो मैं अभी ये चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, मेरे को कुछ पता नहीं था मैं कहाँ से किधर मारूं, बट पीछे मेरा एक बंदा नॉक हो जाता है। सो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब पीछे वाले बंदे को देख लेते हैं। तो तभी मैं फ्री फायर करता हूँ, उसको 2-3 लगती है गोली। और भाई इसको पीछे से पड़ रही है, तब भी वो सामने से विंडो से निकल रहा है, क्या ही बंदा था। पर गाइस यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या हुआ भाई। सामने एक टीपीपी लेके बंदा बैठा था, मेरे को कुछ भी की नहीं था कि सामने बंदा हो सकता है। तो फाइनली मैं कैसे भी करके वहाँ से निकल के इधर आया और इधर लिया पहले उस बंदे से। अभी सुनना मेरा टीममेट यहाँ पे क्या बोलता है। यार नुबड़े लोग हो तुम लोग यार, कहाँ उतार दिया। वाह भाई, बंदे को मार नहीं पाया तो हम नुबड़े हो गए। और कहाँ उतार दिया, अरे भाई पबजी मोबाइल खेल रहे तू, जहाँ पे बंदे होंगे वहीं पे उतारेंगे। और गाइस यहाँ पे ऊपर बंदे टीपी लेके बैठे थे। ओ भाई, इधर बंदे क्या ही कैंप करके बैठे थे, पर इनसे कुछ बनी नहीं बात, मेरा एक ही बंदा नॉक कर पाए। सो सामने एक और स्क्वाड थी, बहुत टाइम से हमें मतलब परेशान कर रही है। सो यहाँ पे मैं बहुत टाइम तक देखता हूँ कि वो लोग इधर आएंगे, तब भी हम लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी और मेरे पास उजी है और शॉट गन है और मेरे पास कुछ भी गन नहीं है। सो मैं इधर वेट करता हूँ कि वो लोग आएंगे तो हम उनको मारेंगे। सो मैं फिर अपने बंदे को बोलता हूँ, भाई चल पीछे से निकलते हैं, हम लोग पीछे से फ्लाइंग करके मारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं जंप करता हूँ, तभी वो लोग भी आ जाते हैं, यहीं पे रश कर देते वो। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो हम गए भाई, ना ही मेरे पास हेल्थ है ना ही कुछ अच्छी गन है। तो यहाँ पे मेरा एक बंदा कर देता है उसको नॉक और मैं करता हूँ रश। सो गाइज फाइनली यहाँ पे भी एक स्क्वाड वाइप कर दिए मैंने। तो गाइज इतना ये लोग उड़ रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे, जैसे कि पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे। पर थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा सब्र किया तो हम स्क्वाड वाइप कर सके। जल्दबाजी हमेशा काम नहीं आती, थोड़ा सा वेट करो, हर एक फल मिल जाएगा। एंड अभी तक मेरी हेल्थ भी पूरी नहीं लगी और मैंने कुछ लूटा भी नहीं और मेरे पास बस शॉटगन है। सामने से एक स्क्वाड आ गई और हमारे पे जो भी नेड नूड कर रही है, फायर कर रही हो भाई, क्या बोलूँ। सो यहाँ पे बंदे, मैं टीपीपी ले रहा था, सोच रहा था कि यहाँ से बंदे आएंगे तो मैं शॉटगन से मारूंगा, बट कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। तभी देखो फाइनली गाइस, फाइनली यहाँ भी एक स्क्वाड वाइप हो गई और पीछे से एक बॉट आ गया। तो गाइस सच में मेरी फट चुकी थी, इस टाइम पे मेरी सबसे ज्यादा फटी हुई थी, क्योंकि बॉट भी आ गया था और मेरी एक एक्टिविटी थी, वो चाहे फूंक भी मार देता ना तो मैं मर जाता यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ और पीछे एक और बंदा आ जाता है।
यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि फुल फ्लाइंग करके जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं था कि वो एक बंदा या फुल स्क्वाड है, तो मैं सोचता हूँ कि पूरी फ्लाइंग करके जाता हूँ, उसी में मेरा अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, निकलता हूँ मैं आगे के लिए। एंड मैं अपने बंदे को बार बार कॉल दे रहा हूँ कि भाई आ जा मेरे साथ में, आ जा मेरे साथ में, पर वो अलग ही दुनिया में घूम रहा है। तो अब मेरे को भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे बंदा कहाँ पे होगा। मेरा अभी एक फायरिंग आती है, तो मैं अपने टीममेट को पूछता हूँ, भाई तूने कुछ करा है क्या? मेरा टीममेट बोलता है, नहीं ये रियल बंदा है, रियल बंदा है। मैं फुली चौड़ में जाता हूँ उसको मारने के लिए। तो देखना अभी मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है। Enemies ahead. गाइस क्या ये इधर हुआ मेरे साथ? मतलब मैं उधर लेट भी गया था और ऊपर से हिल पे था, उसने इतनी आसानी से मेरे को कैसे मार दिया कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ पे मैं पूरी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ कि भाई बचा ले, मेरे को बचा ले। मतलब मैं अपने बंदे को भी पूरा फोकस कर दिया। फाइनली यहाँ पे मेरे बंदे ने उसको मार दिया और उसको लूट रहा है। मैं भाई बोल रहा हूँ लूट मत, लूट मत, मेरे को आगे बचा ले, जोन आ गया। यहाँ पे घोर मुसीबत आ गई मेरी, यहाँ पे दो गाड़ियाँ आ गई थी। मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि अभी मैं बच पाऊंगा इस पे। यहाँ से फाइनली वो भी गाड़ियाँ चली गई, क्या ही मतलब नसीम काम करी है मेरी। और यहाँ से हम लोग हील वील करके और आगे जाते हैं, और मेरे बंदे की हील होती है बहुत कम, और वो बोलता है कि चलो मेरे को हील करनी है, तो यहाँ पे मैं वेयर हाउस में रोक के हील कर लेता हूँ, तभी मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है। अभी मेरे को पता नहीं है वो गाड़ी वाले भाग रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। तो तभी मेरे को एक बंदा जंप करता दिखता है सामने से। क्या ही भाई, कहाँ पे घूम रहे हो? सच में क्या ही उधर से जंप करता आ रहा था, जैसे पता नहीं क्या इसको मिल गया। तो तभी मेरे सामने एक बंदा था, मैं अपने बंदे को कॉल दे रहा था कि वहां से देख, शायद तेरे को वहां से बंदा दिख जाए, तभी मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ यहाँ से। और अभी मेरे को पता नहीं था कि बंदे किधर किधर है, क्योंकि शायद ये लोग यहाँ पे जाने वाले नहीं थे, यहाँ पे कैंप कर रहे थे। तभी मेरे बंदे ने एक सामने बंदा देखा और मेरे को भी दिख गया था, पर फाइनली थोड़ा सा भी लेट हो गया, नहीं तो वो भी किल मेरे को मिलता। यहाँ पे फाइनली हम वेट करते करते हमें पता चला गया कि सामने ये बंदा टीपीपी लेके बैठा है, अकेला ही बंदा है। पहले मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि कई बंदे क्या करते हैं, बिना स्मोक करे भाग जाते हैं। भाई कभी भी भागना है तो स्मोक में भागो, जो नॉक भी हो जाते हैं ना, तुम लोग स्मोक में जाके अपने आप को सेफ रख सकते हो। तभी मैं यहाँ पे मैं एक नेट फेंकता हूँ। और भाई मेरे को आवाज़ आती है कि वो अभी वहाँ से बंदा भागा है, टीपीपी मतलब उसने लिया था तब वहाँ से भागा है, और मैं उसी का फ़ायदा उठा के आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और यहाँ पे भी एक नेड में निकाल के सोचता हूँ कि फेंकूँ, क्या पता फट जाए। मैं यहाँ पे गेमिक्स प्रो की थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि इस वाले विंडो पे फेंकना 100% बंदा मरेगा, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। अभी देखते हैं आगे चल के। ओह भाई, सच में यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मेरा एम ही नहीं बना उस बंदे पे। और बहुत टाइम हम बंदे को ढूंढते ढूंढते फाइनली यहाँ पे ब्रिज पे आए, और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा भागते हुए। अभी यहाँ पे एक ही बंदा रह गया था, और इतना बड़ा जोन था, मतलब थर्ड जोन था, मतलब सेकंड सेकंड जोन था, थर्ड जोन बन रहा था अभी। तो यहाँ से मेरे को बहुत टाइम घूमते घूमते और यहाँ से मेरे को एक बग्घी दिखती है। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे पक्का बंदा होगा। देखना यहाँ पे क्या होता है। गाइस मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से निकल के आ गया बंदा।
सो फाइनली यहाँ पर हमारा चिकन डिनर हो जाता है। और गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और वो जो क्लच किए एक ही रूम में 3 क्लच हुए तो उसको भी कमेंट में जरूर डालना कि कैसा लगा। ओके मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। But now